हेलो एवरीवन नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दिक्षास परफेक्ट प्लेट आज मैं आपके साथ एक चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बेसिकली ये चॉकलेट ड्राई फ्रूट केक होने वाला है जिसे हम मैदे से तो बिल्कुल नहीं बनाने वाले हैं जिसे हम बनाएंगे सूजी से तो जी हाँ सूजी केक बनाने वाले हैं जो बहुत डिलिशियस लगता है और खाने में बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप सूजी का केक खा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं एक बोल में डालेंगे वन फोर्थ कप ऑयल ये नॉर्मल रिफाइंड ऑयल है बिना फ्लेवर वाला इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी ऑलमोस्ट हाफ कप इसे अच्छे से विस्क करना है जब तक ये बिल्कुल क्रीमी सा नहीं हो जाता लम फ्री नहीं हो जाता इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम दही तो हाफ़ कप दही भी लिया है मैंने दही कोशिश करिएगा खट्टी ना हो फ्रेश दही यूज़ करिएगा और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये भी लम फ्री नहीं हो जाता और ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता इसके बाद इसमें इसके बोल के ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे और इसमें ऐड कर देंगे सूजी तो ये बारीक वाली सूजी है फिर भी इसे मैंने ग्राइंडर में एक बार डाल के घुमा लिया था सो दैट ये थोड़ी सी पाउडर फॉर्म में हो जाए और एक कप सूजी के साथ मैंने वन फोर्थ कप कोको पाउडर डाला है इसमें और इसे अच्छे से छान लेंगे तो छन्नी को मैंने ऐसे टैप करते हुए अच्छे से सारा सीव कर लिया है जो भी लम्ब था वो सब हट गए हैं गुठलियाँ जो रहती हैं या कोको पाउडर में और इसे अब हमें मिक्स करना है तो जेंटल हाथों से मिक्स करिएगा बहुत ज़्यादा रफली इसे मिक्स मत करेगा वरना जो आपका केक है वो बहुत डेंस बनेगा फ्लफी नहीं होगा तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है कट एंड फोल्ड मेथड से और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप मिल्क थोड़ा थोड़ा करके आप मिल्क ऐड कर सकते हैं जितना आपको लगे क्योंकि ये सूजी है तो ये बहुत ज़्यादा दूध को अब्जॉर्ब करेगी इसलिए मैंने हाफ कप दूध इसमें यूज़ किया है अभी ये थोड़ा सा लिक्विड ही लग रहा है बट अभी हमें इसे रेस्ट करने के लिए रखना होगा तो अच्छे से मिक्स करके मैंने इसे कवर करके लगभग बीस मिनट के लिए रेस्ट होने रख दिया था बीस मिनट बाद आप देखेंगे तो जो सूजी है वो काफ़ी सारा दूध जो है वो सोक कर लिया उसने और ये काफ़ी ड्राई हो गया है मिक्सचर तो मेरे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है अगर आपको ज़्यादा ड्राई लगे तो इस स्टेज पे आप थोड़ा सा दूध ऐड करके और मिक्स कर सकते हो इसमें ऐड करेंगे एक टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर और वन फोर्थ टीस्पून सोडा और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से तुरंत मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया ग्रीस टिन में जिसे मैंने ऑयल से ग्रीस किया हुआ है Uh, आप बेकिंग पेपर भी नीचे लगा सकते हो ऊपर से अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स मैंने आमंडस काजू पिस्ता और थोड़ी चिरौंजी भी इसमें ऐड कर दी थी और यहाँ मैंने कढ़ाई को uh, प्री हीट होने रख दिया था थोड़ा सॉल्ट डाल के तो हैवी बॉटम कढ़ाई ली थी मैंने यहाँ पे और इसमें ऐड कर देंगे अपना टिन केक टिन और फिर से इसे कवर करके फोर्टी फोर्टी मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक होने देंगे लो मीडियम फ्लेम पर एक्चुअली और लगभग फोर्टी फोर्टी मिनट्स बाद मैंने ढक्कन हटाया तो एक बार पहले मैं चेक कर लेती हूँ टूथ डाल के अगर टूथपिक पे बिल्कुल ड्राई निकल रही है तो मतलब केक बिल्कुल अच्छे से रेडी है अगर ड्राई नहीं निकल रही है तो आप दो तीन मिनट और इसे बेक कर सकते हैं इसके बाद ये देखिए इसको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया अपना केक गर्म केक को बिल्कुल भी डीमोल्ड मत करेगा इसकी साइड में मैंने अच्छे से नाइफ घुमाई है एक बार ताकि ये इजीली निकल जाए ऊपर एक प्लेट रखा है और इसे फ्लिप करके मैंने निकाल लिया है बस एक दो बार आप टैप करेंगे बहुत इजीली आपका केक निकल आएगा और ये देखिए बिल्कुल भी ये नीचे से आ, इस ये जो है चिपका नहीं है हमारी बेस में तो बहुत अच्छे से ये निकल आया है इसको मैं सीधा करके रख लेती हूँ और कितना ब्यूटीफुल ये केक लग रहा है बहुत टेस्टी बहुत सुंदर मतलब देखने में तो ये बहुत सुंदर लग ही रहा है और ये देखिए कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी सुपर सॉफ्ट ये केक बनता है कोई नहीं कह सकता कि आपने ये सूजी से बनाया तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए मेरे कहने पे हेल्दी तो ये है ही आप बच्चों को टिफ़िन में कुछ मीठे में अगर खाने का मन है तो आप ये खा सकते हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्स्चर आया है अंदर से भी तो बस इसे सर्व करें अगर आपको थोड़ा और चॉकलेटी पसंद है तो चॉकलेट सॉस ऊपर डाल के सर्व करेंगे तो ये और बढ़िया लगेगा एंड एंजॉय करिए बाय